रक्त का अन्य कोई विकल्प नहीं है, रक्त के बदले रक्त ही काम आता है, इसलिए लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से शरीर पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि रक्तदान से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। यह कहना है समाज सेवी पंकज गाबा और सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर संजय वर्मा का। यहां आपको बता दें कि पंकज गाबा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनका पूरा परिवार समाज सेवा को अर्पित है। चाहे वो उनके पिता देशराज गाबा, जो कि फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके सिखाए और दिखाए पद चिन्हों पर चलते हुए उनके तीन लड़के प्रवेश, पराग और पंकज आज भी निष्काम भाव से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। जरूरतमंदों की सेवा करना यह अपना कर्तव्य समझते हैं। गरीब की आंखों में आंसू देखकर इनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। पिता द्वारा दिखाए गए पद चिन्हों पर चलते हुए पंकज गाबा अभी तक कोरोना काल के दौरान 38 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं, जिसमें वह 1050 से अधिक यूनिट रक्त ब्लड कैंप को दिलवा चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल का समय ऐसा समय रहा जब आम इंसान घर से निकलने से डरता था, तो पंकज गाबा और उनकी टीम रक्तदान करने के लिए सामान्य अस्पताल में आया करती थी। वह समय अत्यधिक गंभीर था। कोरोना के दौरान लॉकडाउन के चलते इन समाज सेवियों ने अपनी जान की परवाह ना किए बिना ऐसे लोगों के लिए रक्तदान किया जो उस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। यही कारण रहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे लॉकडाउन के दौरान भी अपने उपचार से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर संजय वर्मा ने समाचार एक्सप्रेस से विशेष बातचीत के दौरान इस बात की संपूर्ण जानकारी दी कि कौन कौन रक्तदान कर सकता है, रक्तदान का लाभ क्या है। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के उपरांत उन्होंने समाज से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि रक्तदान का कोई नुकसान नहीं है बल्कि मानव शरीर पर लाभ ही लाभ है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान, आरोपी समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इसमें मौजूद हूं मैं करनाल के सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में, और आज मेरे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए करनाल के विख्यात समाज सेवी मौजूद हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये अकेले ही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार शुरू से ही समाज सेवा को समर्पित रहा है, चाहे वो इनके फादर साहब हों, हालांकि अभी वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका शुभ नाम था श्री देशराज गाबा जी, आगे उनके सुपुत्र प्रवेश गाबा, पराग गाबा, और अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंकज गाबा। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये अभी तक फिलहाल 38 ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने आज तक कभी किसी भी बैनर का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी इच्छा से लोगों को मोटिवेट करते हैं और वॉलंटियर्स को जोड़ते हैं। तकरीबन 1100 से अधिक यूनिट ब्लड ये इकट्ठा करके थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए एकत्रित करके उन लोगों की बच्चों की जान बचा चुके हैं। आपको बता दो कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को या पीड़ित रोगी को हर थोड़े समय के बाद 15 दिन या महीने के बाद ब्लड बदलने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यदि उन्हें ब्लड ना मिले तो उनकी जान पर बनाती है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, कोरोना काल के दौरान जब एक आम इंसान घर से निकलने से डरता था, उस दौरान पंकज गाबा अपनी विशेष टीम के साथ घरों से बाहर निकले। हालांकि पुलिस द्वारा इनको जगह जगह पर रोका भी गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इनका भरपूर सहयोग किया और इनके साथियों ने मिलकर अभी तक 38 कैंप लगा चुके हैं। मैं इनसे बात करने का बात करूंगा। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार जी। पंकज जी, एक चीज़ बताइए, आपका जो पूरा परिवार है समाज सेवा को समर्पित रहा है, अभी तक आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, अब आपके धर्मपत्नी शिखा गाबा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आपका जो पूरा परिवार है, चाहे वो आपके बड़े भाई हैं, दो बड़े भाई हैं, आपके फादर साहब फिलहाल जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी समाज सेवा को समर्पित रहे हैं। ये जो समाज सेवा की भावना है, ये आपको कहाँ से मिली? परिवार से मिले संस्कार हैं या कोई अन्य, आपने ऐसा कोई वाक्य देखा या कोई ऐसा हादसा देखा जिससे आपको लगा कि हाँ, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको कि ब्लड की ज़रूरत है? नहीं, हम तो बल्कि मेरे पिताजी के टाइम से ही उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं हम, चाहे वो प्रवेश हो, चाहे पराग हो, चाहे मैं हूँ। तो इंडिविजुअल जिस तरह की भी कोई सहायता होती है, अगर जैसे ब्लड की अगर बात करें, तो हमने जब शुरू में लॉकडाउन था तब हमने पहला ब्लड कैंप लगाया, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई। तो उन दिनों लोग घर में रहते थे,
बाहर भी नहीं निकलते थे। तो हमने एक सोचा भी एक कैंप लगाएंगे ब्लड की, क्योंकि बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो जब यहाँ हमने कैंप लगाया, एक पहला कैंप, उसमें अराउंड हम 15 से 20 लड़कों को इकट्ठा किया। तो पासिस वगैरह भी उस टाइम बनते थे, चेकिंग वगैरह होती थी, भी निकल एसेंशियल सर्विसेज में लिया गया था इसको, ब्लड डोनेशंस को। तो जब आए तो यहाँ आके मेरे को पता चला भी हमने इन बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करना है। बच्चे यहाँ आते थे थैलीसीमिया वाले, तो वो फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था थैलीसीमिया क्या है, और ये बच्चे हैं थैलीसीमिया वाले, और इनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड चाहिए चाहिए होता है। तो उस टाइम मेरे से नहीं रुका गया, मेरी आंखों में आंसू भी थे, और उनके लिए फिर मैंने मन में सोचा भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे इनके लिए, बच्चों के लिए। तो वही था, कहते हैं अकेला चला गया था, कारवां बढ़ता गया, तो उसी के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। मेरा सर्कल है, सभी को हमने मोटिवेट किया ब्लड देने के लिए, और कई तो ऐसे थे जो मतलब कि घर नहीं बता के आते थे भी कहाँ जा रहे हैं, अभी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ या क्या, तो आके उन्होंने भी ब्लड दिया। तो लोग उस टाइम घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, ये तो फिर सिविल हॉस्पिटल की बात थी, और इतना डर था कोरोना का। बट फिर भी मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस संकट की घड़ी में आके आगे सहयोग दिया, और उनको मतलब कि उनका कभी भुलाया नहीं जाएगा, उनका जो उन्होंने इस समाज के प्रति और थैलीसीमिया बच्चों के लिए जो किया। अंकल जी, ऐसे आपका आपका सर्कल है, आपके कहने पर वो लोग घरों से बाहर निकल आए, आपने बताया कि वो कोरोना काल के दौरान वो अपने घरों में भी नहीं बता कर आते थे, वो कोई ना कोई बहाना निकाल कर आते थे और यहाँ पर रक्तदान करते थे। आप दिल से उन्हें सैल्यूट करते हैं, समाचार एक्सप्रेस की टीम भी उन्हें दिल से सैल्यूट करती है। क्या कभी आपको किसी ऐसी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा कि हाँ आपने कैंप का आयोजन कर दिया, उसके बाद वॉलंटियर्स नहीं आए या डोनर्स नहीं आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ ये हो सकता है, ये हुआ है जैसे हमने, क्योंकि सोशल डिस्टेंसेस का भी ध्यान रखना होता है, तो हम टाइमिंगली उनके बांध देते थे भी तुमने 10:30 से पहले पहले आना है, तुम 5 लोगों का 11 बजे तक तुम आ जाना, तो आधे आधे घंटे के हम स्लॉट बना देते थे, तो इकट्ठा नहीं करते थे। तो हमारा टारगेट भी ये रहता था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रहे, और हम टारगेट लेके चलते थे 20-25 तक का। देखिए पंकज जी ने हमें बताया कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से इन्होंने मैनेज किया ब्लड कैंपों को उस माहौल में जब लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। इनके दोस्त जो इनके सर्कल में थे, जिनको ये बुलाते थे कि आप यहाँ पर आकर रक्तदान कीजिए, क्योंकि आपको एक रक्तदान करने से किसी बच्चे की जान बच सकती है। उस दौरान जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, इनके दोस्त घरों से बहाना बनाकर घर में झूठ बोल कर निकलते थे और यहाँ पर रक्तदान करते थे, ये दिल से उन्हें सैल्यूट करते। पंकज जी, अगर हम आपकी बात करें, अगर फिलहाल अभी तक आपने जो 38 कैंप लगाए हैं, इनके माध्यम से कितने यूनिट एकत्रित किया जा चुका है? मोर देन 1100, आई थिंक 1150 के करीबन हो चुका। आप स्वयं खुद कितनी बारी दे चुके हैं? मैंने 2 बारी तो लॉकडाउन के अंदर दौरान ही दिया है, और उससे पहले मैं टोटल 11 बार दे चुका हूँ। 11 बार पंकज गाबा जी हैं, इन्होंने के ब्लड कैंपों के माध्यम से 1150 यूनिट ब्लड यूनिट एकत्रित करके इन्होंने स्वास्थ्य ब्लॉक के ब्लड बैंक में जमा करवाए, खुद भी 11 से अधिक बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। पंकज जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस जरूरी नहीं कि आप ब्लड डोनेशन के माध्यम से ही आप सेवा करें। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और जितने भी आम लोग हैं, तो उनसे यही अपील करूँगा भी किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर करते रहें, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कि सेवा, गरीबों की सेवा, तो इससे मन को अच्छा लगता है। आपने कोरोना काल के दौरान स्लम एरियाज में जाकर मास्क भी बांटे? हाँ जी बिल्कुल। तो सर, जब एक आम इंसान डर रहा था घर से बाहर निकलने से, आपके मन में ऐसा कोई खौफ नहीं था? आपके घर वाले आपको मना नहीं करते थे कि पंकज क्यों जा रहे हो जब बाहर इतनी बीमारी फैली है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, संपूर्ण लॉकडाउन था, हर चीज़ बंद थी, आना जाना बंद था, आपको उस समय डर नहीं लगता था? नहीं देखो, ये तो बस यही लगा लो भाई, भगवान ने चाह रहे थे भी कोई ना कोई सेवा करे, तो ऐसा तो नहीं मन में आया भी डर लगा हो। और हमने जितने भी ग्राउंड लेवल पर वर्क करने वाले थे सरकारी हॉस्पिटल में और कल्पना चावला में, और जितने भी निगम के अंडर आते हैं सफाई कर्मचारी, टोटल 1400
सफाई कर्मचारी थे और 1500 के लगभग हॉस्पिटल्स में जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे थे, तो उन्हें N95 मास्क नहीं थे उनके पास जो हॉस्पिटल में, जो कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि मरीजों के कॉन्टैक्ट में भी वही आते थे, और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए, जो भी ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले, तो उनके पास N95 जो मतलब कि उनकी सैलरी बड़ी कम होती है, तो कहाँ से वो परचेज़ करेंगे N95 मास्क। तो हमने सभी को, जितने भी ये थे ग्राउंड लेवल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, अराउंड 1500 के थे, तो हमने सभी को 3-3 N95 मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, साथ में सैनिटाइज़र दिए, ताकि वो अपना बचाव कर सके। और इसी तरह हमने सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को मास्क, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स और सैनिटाइज़र और मल्टीविटामिन और विटामिन D3 के कैप्सूल उनको प्रोवाइड कराए। तो ये अभियान हमारा लगभग 2 महीने चला था, और सुबह हम निकल जाते थे, सुबह सुबह जैसे का टाइम होता था, जैसे जहाँ इनकी हमने, और ये एक चीज़ और थी भी, ये नहीं था कि हमने किसी को पकड़ा दिया, हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किए एक एक पर्सन को, जैसे जहाँ इनकी अटेंडेंस लगती है, जैसे सुबह तो सभी ने इकट्ठे हो जाते थे एरिया वाइज, तो हम जाके पर्सनली इंडिविजुअली एक एक को देते थे। ये थे हमारे साथ समाजसेवी पंकज गाबा, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी किस तरह से कोरोना काल के दौरान इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए वाले, जिन्हें कि कोरोना वायरस भी कहा जाता है, कोरोना योद्धाओं को किस तरह से इन्होंने उनकी मदद की, मास्क वितरित किए, D3 के मल्टी विटामिन कैप्सूल, विटामिन D3 कैप्सूल्स, इसके अलावा सैनिटाइजर तक वो किए इन्होंने वितरित किए हैं, अपने स्तर पर इन्होंने वितरित किए। साथ ही साथ इनकी हर समाजसेवी संस्था से यह अपील है कि किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए जिन्हें की मदद की आवश्यकता, ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। और अब मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक के वरिष्ठ डॉक्टर, डॉक्टर संजय वर्मा। अब मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हमारे मन में भी हैं और लोगों के मन में भी हैं, जिनके लिए इनसे जानकारी लेना आवश्यक है। डॉक्टर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पर जैसे कि अभी पंकज जी ने बताया कि आपने भरपूर सहयोग किया, इन्होंने 38 कैंप लगाए, पंकज जी के अलावा और भी कई समाजसेवी होंगे जिनके माध्यम से यहाँ पर कैंप लगे होंगे, सर उनकी व्यवस्था को, उनको मैनेज करना, इतने बड़े स्तर पर मेडिकल कैंपों को हर हफ्ते में 2 या 3 दिन तक मेडिकल कैंप लगते रहे हैं यहाँ पर, इतने बड़े लार्ज स्केल पर उस कोरोना काल के दौरान कोरोना से बचने की गाइडलाइंस को मानते हुए या उनको रखते हुए, आपने किस तरह से उन सारी व्यवस्थाओं को मैनेज किया? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज था ये, और जब कोरोना काल शुरू हुआ 22 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू लगा था, और हमारा एक कैंप भी था उस दिन, जो कि उसकी वजह से कैंसिल हमें करना पड़ा था, और उस समय जो ब्लड की हमारे पास शॉर्टेज चल रही थी पहले से ही, और कोरोना का कार्यकाल, ये जो काल शुरू होने पर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज था उसको कोरोना हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और वहाँ का भी जो लोड था हमारी तरफ आ गया था, तो जो एक तरह से जो हमारा काम था वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका था। उस समय में हमें भी श्योर नहीं था अब हम इसको कैसे करें, क्योंकि आप सोचिए कि उस समय की स्थिति सोचिए कि एक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने से डर रहा था, हम लोग थे, हमें मरीजों के लिए आना था, बिल्कुल हम रुके नहीं, हम आते रहे, लेकिन आम व्यक्ति जो है वो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी, एसेंशियल चीज़ों के लिए भी निकलते हुए भी सोच रहा था, और हॉस्पिटल में कदम रखना तो उसको ये डर था उस समय कि अगर मैं हॉस्पिटल में कदम रखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से कोरोना हो जाएगा, तो ये बड़ी विकट स्थिति थी। लेकिन देखिए, जब कोई ना कोई दिक्कत होती है तो उसका सोल्यूशन भी पास में ही होता, तो जो यहाँ के कर्मठ लोग थे करनाल ज़िले के, पंकज गाबा जी और उनके साथ में संदीप सचदेवा जी, सुरेश गुप्ता जी, MC धीमान जी जो उस समय ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर थे रेड क्रॉस करनाल में, और इसके अलावा और भी जो कई हमारे सहयोगी थे जो आसपास हमारे काम करते रहे थे, इवन हमारे स्टाफ सदस्य भी थे, सब ने क्या किया कि जो डोनर्स को मोटिवेट करना शुरू किया, और हर रोज़ हमने कैंप लगाए यहाँ पर। लगभग आपको हैरानी होगी कि 22 मार्च के बाद से लेकर हमने तकरीबन
सितंबर के आखिर तक किसी स्टाफ ने कोई छुट्टी भी नहीं। हम संडे गस्टेड हर दिन यहाँ पे आते रहे और हमने हर रोज कैंप लगाए, और जो फिगर है मेरे पास भी रखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने शुरुआत की थी जब मैं आया यहाँ पे जनवरी में, तो 200 से सवा 200 यूनिट ही हमारी कलेक्शन थी सिर्फ हर एक महीने की। जो कि सोचिए कि कोरोना काल में, डिफ़िकल्ट कोरोना काल में जो है हमारे अप्रैल में 455 के करीब पहुंची और मई में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 751 डोनर्स का ब्लड हमने कलेक्ट किया, और तब से निरंतर जो है हमारे पास पंकज गाबा जी का मैं नाम विशेष रूप से लूँगा, क्योंकि इन्होंने जैसे ही आए, हमारी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो इन्होंने कैंप लगाया और मुझे तभी से लगा कि इनके अंदर जो है एक समाज भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई, और एक ये कोमल हृदय के मालिक है कि किसी का दुख ये देख नहीं पाते। इन्होंने शुरुआत खुद से की, इनके सहयोगी श्री सोनू शर्मा जी, पीयूष शर्मा जी, इन्होंने जो लगातार आते रहे, मिस्टर आकाश है वो आते रहे लगातार, एक इनकी टीम थी 6-7 सदस्यों की जो कि डेली यहाँ पर आती थी। आप सोचिए किसी भी दिन हम रुके नहीं, हमने कोई छुट्टी नहीं ली, बाकी जो संगठनों का हमारे पास सहयोग रहा और हमने लगातार कैंप लगाए यहाँ पर। हमने भारत सरकार के निर्देशानुसार हमने ई पास जारी किए इनको, ताकि इनके किसी भी डोनर को दिक्कत ना हो। हमने 2 गाड़ियाँ अपनी लगाई, हमारे ड्राइवर जो है शाम के 6 बजे तक घूमते रहते थे डोनर्स को घरों से लेके आना और उनको घर तक छोड़ के आना, क्योंकि सब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, आप अपने जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नाके लगे हुए थे जगह जगह पे, पुलिस खड़ी थी, चालान कट रहे थे, लाठियां बरस रही थी। उस बीच में भी जो करनाल जिले के जो हमारे डोनर्स भरपूर मात्रा में यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर जो कोरोना की डायरेक्शंस का, रोकथाम की डायरेक्शंस का पूरा पालन किया, और हमारे किसी भी डोनर को और हमारे किसी भी ब्लड बैंक के सदस्य को अभी तक कोरोना जो है दूर दूर तक नहीं हुआ, और ये मेरे ख्याल सारी जो प्रिकॉशंस का ही रिज़ल्ट है कि हम सब लोग अभी तक जो है कोरोना से बचे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बचे रहेंगे, और एक एक में जो डोनर है जिसने रक्तदान किया उस डिफ़िकल्ट टाइम पे, वो वाकई में एक हीरो है। जैसे देश के फ्रंट पे लड़ना, सीमा पर लड़ना, दुश्मन से लड़ना, उसी की तरह की ये सिचुएशन थी। आप मौत के एक उस समय की अगर हम, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हो तो आम आदमी यही सोच रहा है कि मैं एक जो ऐसे वातावरण में जा रहा हूँ जहाँ पे कोरोना जगह जगह पे फैला हुआ, हवा में जहरीलापन है, उसके बीच में वो निकलता है, ब्लड देता है और फिर अपने घर जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी कि इस तरह से कोरोना काल के दौरान इन्होंने मेहनत की, इनके डिपार्टमेंट ने मेहनत की, और जो करनाल के रक्तदाता हैं उन्होंने भरपूर मेहनत की और किसी को भी ब्लड की कमी नहीं आने दी। डॉक्टर साहब एक और सवाल, लोगों के मन में भय रहता है कि ब्लड दान करने से या ब्लड डोनेट करने से उनको कमजोरी आ जाएगी। एक स्वस्थ व्यक्ति कितने समय के बाद रक्तदान कर सकता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होती हैं, कि पहले किस तरह का उनका चेकअप किया जाता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है? अच्छा सवाल आपने किया। ऐसी भ्रांतियाँ लोगों में हालांकि बहुत कम हो चुकी हैं इस समय, लेकिन अभी भी विद्यमान है। ब्लड देने से, रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि इसके इतने फायदे हैं कि आप सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे। रक्तदान करने से जो शरीर में दिल की बीमारियों के होने का खतरा बेहद कम हो जाता है, तकरीबन 15-20%। हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है, ब्लड की फ्लूडिटी मेंटेन रहती है, जिससे खून का थक्का जमने की संभावना बहुत कम रह जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में, जिसको हम बुरा फैट भी कहते हैं, बैड फैट कहते हैं, उसका जो लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। ओबेसिटी है, उसका भी जो है होना है, उसका जो बढ़ना है वो कंट्रोल में रहता है। हालांकि इसमें मैं साथ में ये भी ऐड करूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जो रक्तदाता है वो जो एक्सरसाइज करना या जो खान पान पर ध्यान देना छोड़ दे। इसके अलावा जो शरीर में जो बोन मैरो स्टिमुलेट होती है वो रक्तदान करने से ही होती है। बोन मैरो वो जगह है लंबी हड्डियों में हमारी जहाँ से रक्त का निर्माण होता है, तो वो स्टिमुलेट होती है। अगर वो स्टिमुलेट होती है तो वो और बेहतर ढंग से ब्लड को बनाती है, जिससे आपकी फ्लूडिटी तो मेंटेन रहती ही है। शरीर में जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं ब्लड में, जो कि एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम कह देते हैं, जो आजकल एंटीबॉडीज़ हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। आजकल इम्यूनिटी की बात चल रही है,
तो जो इम्यूनिटी बढ़ती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो जो बैक्टीरियल वायरल डिजीजेज हैं जिनका होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, या उनका जब अगर होती भी है तो उनका असर बेहद कम रह जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब जहाँ तक कि रक्तदान करने की बात है, कोई भी व्यक्ति 18 से 65 साल की उम्र के बीच में रक्तदान कर सकता है। उसके लिए जो है उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12.5% होनी चाहिए और उसका जो वज़न है 47 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। ये हमारे मेजर क्राइटेरिया हैं, इन्हें ये तीनों अगर एक भी कम है तो वो रक्तदान नहीं कर सकता। इसके अलावा एसोसिएटेड क्राइटेरियाज हैं, उसको किसी भी प्रकार की जैसे कोई दिल की तकलीफ ना हो, हार्ट की तकलीफ ना हो, उसको किसी प्रकार का उसने अगर इंजेक्शन लगाया है तो वो उसके बारे में बताए, जैसे कि डॉग बाइट का कोई इंजेक्शन लगा है, टेटनस का लगा है, कोई वैक्सीनेशन उसकी किसी तरह की हुई है, उसको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको किसी प्रकार के ब्लड के विकार की तो प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लड उसका जमता नहीं है या कोई सेल ज़्यादा या कम बन रहा है उसका, उसके बारे में बताए, उसको कोई किसी तरह प्रकार का कोई कैंसर तो नहीं है, उसको कभी हेपेटाइटिस बी या सी पीलिए के दो प्रकार हैं जो कि ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं वो तो कभी नहीं हुआ उसको। आजकल जैसे हम कोरोना काल के लिए हमारे क्वेश्चंस और हमारे ऐड किए हैं कि कोई उसका फॉरेन ट्रैवल तो नहीं है, उसको कोरोना या हुआ तो नहीं है, या वह कोरोना के संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है, या इसके अलावा भाई उसको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस इन्फेक्शन तो कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह की अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि वो बच्चे को जो है दूध तो नहीं पिला रही है, उसको कोई माहवारी तो नहीं आ रही है, उसको अबॉर्शन तो नहीं हुआ 6 महीने में, तो और जो है एड्स से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं उनसे। तो एक बहुत एक विस्तृत सी प्रश्नोत्तरी है उस और एक ब्रीफ एग्जामिनेशन उनका किया जाता है, उसके बाद ही जो है डोनर को सेलेक्ट किया जाता है कि वो रक्तदान देने के योग्य है कि नहीं है। और एक बार रक्तदान करने के पुरुष जो हैं 3 महीने के पश्चात और महिलाएं 4 महीने के पश्चात दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। विस्तार से बताया कि कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और किसके उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और ब्लड डोनेट करने के क्या क्या लाभ हैं, किन किन बीमारियों से ब्लड डोनेट करने से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह के बाद, एक स्वस्थ महिला हर 4 माह के बाद ब्लड डोनेट कर सकती है। डॉक्टर साहब, एक यूनिट ब्लड से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? देखिए, एक यूनिट ब्लड से हम लगभग 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारे पास जो मॉडर्न मशीन्स हैं जिनके द्वारा हम जो ब्लड लेते हैं वो क्लोज सिस्टम में, फिर हम उनको मशीनों के द्वारा जो है लाल रक्त कणिकाएँ PRBC जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में, सफ़ेद खून जिसे प्लाज्मा कह दिया जाता है, और प्लेटलेट्स, तो जिसको जो ज़रूरत है उसको उस हिसाब से वो प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे उसको मैक्सिमम फ़ायदा होता है और साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर रह जाते हैं। सर, मौजूदा समय में अगर हम थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की बात करें तो हमारे करनाल ज़िले में कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सब बीमारी से जूझ रहे हैं? तकरीबन हमारे ज़िले में तकरीबन 75 के करीब बच्चे हैं, अभी हमने अभी ही लिस्ट को अपडेट किया था, तकरीबन 75 बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। सर, इनको कब कब ज़रूरत पड़ती है या इनकी कंडीशन के हिसाब से इनको मतलब ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन पीरियड होता है उसके बाद इनको ब्लड की आवश्यकता होती है? देखिए, तकरीबन जो है 20 से 22 दिन के अंदर 2 महीने में 3 बार इनको ब्लड की ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। सर, अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो करनाल के ब्लड बैंक की अब सिचुएशन कैसी है, यहाँ पर कितना ब्लड है और कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि कम मात्रा में मिलता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? दूसरा, मैं साथ में एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ कि लोगों के मन में यह रहता है कि अगर कोई गरीब है, अगर कोई सिफारशी है या कोई अमीर आदमी है उसको तो तुरंत रक्त उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो गरीब है या जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती उसको करनाल के सामान्य अस्पताल से भी ब्लड लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्या इन बातों में कहीं पर कोई सच्चाई है? देखिए, इन बातों में बिल्कुल भी लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। मैंने यहाँ पर जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था और यहाँ पर तब से हम जो ब्लड है विदाउट रिप्लेसमेंट, बदले में चाहे वो थैलेसीमिया पेशेंट है या किसी और बीमारी से भी ग्रसित कोई भी मरीज़ है उसके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम बदले में ब्लड नहीं लिया जाता। यहाँ पे स्टाफ ये सवाल पूछता नहीं है कि बदले में कौन ब्लड देगा, वो सिर्फ रिक्विजिशन फॉर्म को एक्सेप्ट करता है और उसको समय देता है कि इस समय ब्लड मिलेगा, और गरीब अमीर किसी भी प्रकार का भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। सारी सेवाएँ हमारी निःशुल्क हैं, मरीजों से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता इसका, और मेरे पास कोई भी सिफारिश नहीं आती,
मेरे पास जनवरी से ब्लड के लिए किसी का फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि कोई भी गरीब है अमीर है, कोई किसी को जानता है नहीं जानता है, उसको फॉर्म जमा कराना है और उसको ब्लड मिल रहा है। सर, मौजूदा समय में स्टॉक की क्या पोजीशन है? मौजूदा समय में हमारे पास आज जो है 200 से भी ऊपर यूनिट्स रखी हुई हैं, और जैसे गाबा जी का कैंप है और आगे भी हमारे कैंप्स हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कभी भी ब्लड की कमी ना हो और हमारे पास सभी ग्रुप्स जो हैं उचित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये जो डॉक्टर संजय वर्मा जिन्होंने मैं विस्तार से जानकारी दी ब्लड डोनेशन के बारे में कि ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, कैसे किया जाता है, और इनके अलावा इनका ये भी कहना है कि करनाल के सामान्य अस्पताल में किसी भी कोई व्यक्ति अमीर है गरीब है छोटा है बड़ा है किसी व्यक्ति को रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी। जो अगर किसी को भी आवश्यकता है उसे केवल फार्म फिल करवाया जाता है, उसके अलावा उससे किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, और मौजूदा समय में इनके पास जितना भी स्टॉक है बेस्ट सफिशेंट स्टॉक है। कोई भी व्यक्ति जिसे अगर रक्त की आवश्यकता है वो इनसे संपर्क साध सकता है और अपने या अपने परिवार या फिर अपने किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कि रक्त की आवश्यकता है वह रक्त के अभाव में नहीं जाएगा, वह रक्त के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त के बदले रक्त ही काम आता है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.